अब बात बल्लभगढ़ की करते हैं। अब तक आपने अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की क्लास लगाए जाने का नजारा तो खूब देखा होगा, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहे दृश्य को देखकर आप चौंकिएगा मत। जहां एक पुलिसकर्मी बल्लभगढ़ खंड के तमाम हिंदी के JBT अध्यापकों को हिंदी की बारीकियां समझा रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक हिंदी भाषा को सरल बनाने के लिए हरियाणा पुलिस में ASI पद पर तैनात रामकुमार दलाल ने लंबे समय से हिंदी भाषा पर खोज कर रहे थे, और ताकि हिंदी भाषा को लिखने और बोलने में सरल बनाया जा सके, बल्लभगढ़ स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया, जहाँ ASI रामकुमार दलाल द्वारा JBT अध्यापकों को हिंदी भाषा की बारीकियां समझाई गई। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए JBT अध्यापकों की हिंदी भाषा की जानकारी लेने में खासी रुचि दिखाई दी। तो सर, ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है। मेरा बचपन से ही टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, और मैं मानता हूँ, किसी ने कहा है कि लैंग्वेज इज अ टूल, भाषा एक यंत्र है जिससे हम पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी में शुरू से ही मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रहते थे, बहुत सारे प्रश्न रहते थे, और वो मैंने इधर उधर से बड़े विद्वान लोगों से क्लियर किया, और पाया कि वो शिक्षा विभाग में बच्चों के पास विभागों में वो चीज़ें नहीं थी, तो मैंने वो सारी संकलित की, और उनके संकलित करने के बाद मैं समाज में इस माध्यम से उनको साझा करना चाहता हूँ। ये जो कार्यशाला है ASI श्री राजकुमार द्वारा आयोजित की गई है, इसके अंदर हिंदी विषय पर चर्चा की जा रही थी। सभी अध्यापकों को यहाँ बुलाया गया था, और ये कार्यशाला बहुत ही लाभप्रद रही, क्योंकि जो हमारे डाउट्स थे वो हमारे से क्लियर हो गए हैं, और इससे बच्चों को शिक्षा में अच्छा सुधार होगा, और अध्यापक भी अच्छी तरीके से बच्चों को हिंदी विषय की जानकारी दे पाएंगे। सर, बच्चों का तो बड़े ही बड़े, पर मुझे हमें बहुत ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब नई नई जानकारियाँ मिली है, फिर हम उन जानकारियों को अपने बच्चों तक पहुँचाएंगे, तो मुझे तो कार्यशाला बहुत फायदेमंद लगी है।